एवरीवन वेलकम टू साइंस एंड फन नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ मैं हूं दीक्षा कौशल आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर एंड बच्चा हमने चैप्टर नंबर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कवर कर लिया है अभी हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो ये चैप्टर आपने नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा सा इसका पोर्शन पढ़ा हुआ है तो अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को और ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन टॉपिक्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है शेल्स क्या है क्वांटम थ्यूरी क्या है क्वांटम थ्यूरी एटम्स को क्वांटम थ्यूरी के बेसिस पे कैसे देखा गया राइट तो इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेगी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने नाइन्थ क्लास में छोड़ दिया था उस टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी K -L -M -N के एल एम एन के थ्रू करी थी अभी हम एस पी डी एफ शेल्स के बारे में जानेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे प्रिंसिपल देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं एटम्स के बीच में और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आती है बहुत सारे चैप्टर्स जैसे डी ब्लॉक एस ब्लॉक एफ ब्लॉक ये सारे ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे क्योंकि इन सभी का बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इजीली होती जाएगा राइट right? तो so, आपकी इस क्लास के लिए नहीं बल्कि ट्वेल्थ क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हैं आई आई टी जे एंड नीट या सी यू ई टी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बच्चा शुरू करते हैं लास्ट टाइम हमने नाइन्थ क्लास में जो छोटी छोटी सी बातें करी थी उसी से ही शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एटम इज़ इनडिविजिबल ये हमें जॉन डेल्टर ने तो लो सबसे पहले तो हमने मैटर के बारे में बेसिकली केमिस्ट्री क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर राइट मैटर की स्टडी और मैटर किस चीज़ का बना होता है छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एटम्स उन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स और एटम्स एटम नाम कहाँ से आया एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल इन डिविजिबल मतलब जो फर्दर हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते ये सबसे छोटी चीज़ है इस दुनिया की बट ये चीज़ ये थ्योरी हमने दी थी हमें दी थी डा ने जॉन डाल्टन ने तो जॉन डाल्टन जी ने उस टाइम पे जब लोग एटम के बारे में सोचते भी नहीं थे उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को पुट फोर्थ किया कि हाँ इसके बारे में सोचो कि एटम के बेसिस पे थ्योरी देना है इट सेल्फ वॉज अ वेरी बिग थिंग राइट आज के ज़माने में रोबोट्स के बारे में सोचना आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना ये उड़ती हुई कारों के बारे में सोचना इज़ अ बिग थिंग राइट शायद आज से सौ दो साल बाद ये बहुत छोटी सी मामूली सी चीज हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही बड़ी बात बता दी बट एक्चुअल में उस टाइम पे इस चीज को शुरू करना ही बहुत बड़ी बात थी एक आम इंसान की बात तो नहीं थी राइट सो so उन्होंने ये बताया कि एटम जो है आपका वो इनडिविजिबल है उसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते ठीक है इसके आगे सब अटोमिक पार्टिकल्स नहीं होते ये हमें जॉल्ट डाल्टन ने बताया जो कि बाद में गलत प्रूफ हो गया राइट ये भी चीज़ हमारी गलत प्रूफ हो गई क्योंकि हमने बाद में मतलब साइंटिस्ट ने बाद में सब अटोमिक पार्टिकल्स का की डिस्कवरी कर ली थी जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आप पढ़ते हो उन सभी की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे आज हम राइट उसके बाद इन्होंने बोला था कि सेम एलिमेंट या सेम आटम का मास सेम होता है मास सेम होगा एटॉमिक मास सेम होगा सेम एलिमेंट का और इस चीज को भी बाद में गलत प्रूफ कर दिया गया बाय आइसोटॉप्स की क्लोरीन है उसके दो आइसोटॉप्स है कार्बन के बहुत ज्यादा आइसोटॉप्स हैं क्या होते हैं सेम एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मास बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट मास हो उसका राइट right? तो ये भी चीज हमारी गलत प्रूफ हो गई उसके बाद उन्होंने बोला था डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होगा तो ये भी बाद में आइसो बार्स की वजह से गलत प्रूफ हो गया आइसोबार्स आ गए ठीक है सेम मास different, दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम मास भी पाया गया ठीक है तो यहां से आइसोबार्स की वजह से ये भी गलत प्रूफ हो गई दिस इज आइसोटॉप्स की वजह से ये बिकॉज ऑफ आइसोबार्स और ये बिकॉज ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स राइट तो जॉन डाल्टन जी की थ्योरी तो हो गई फेल ये थ्योरी फेल कैसे हुई ये थ्योरी फेल तब हुई जब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करनी शुरू कर दी गई तो डिस्कवरी कैसे शुरू हुई तो उस टाइम पे डिस्चार्ज रे जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस होते थे कि हर कोई इस इन एक्सपेरिमेंट्स को कर रहा था ऐसा नहीं था कि सिर्फ केमिस्ट्री के कर रहे थे फिजिक्स के कर रहे थे मैथमेटिक्स हर जगह पे ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे सारी दुनिया लगी हुई थी कुछ ना कुछ नया खोजने के लिए ये एटम उनको पता लग गया था एटम के बीच में क्या है ये सारी दुनिया खोजने के लिए लगी हुई थी तो जब हमारे पास एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई ठीक है ऐसा ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसे फैरेडे करते थे फैरेडे ने ये शुरू किया था तो बहुत सारे साइंटिस्ट की मिली जुली है ये राइट तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे डिस्चार्ज रेट ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे थे तो उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगेगा कि कोई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे राइट तो कैसे पता चला यहाँ पे एक तो मेरे देखो बेटा कैथोड क्या होती है दैट इज नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल से लगी होती है और एनोड होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगी होती है ठीक है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल ओके सो नाउ यहाँ पे जब भी आपके पास एक चीज़ याद रखना ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि कई जगह पे कैथोड पॉजिटिव होता है कई जगह पे कैथोड नेगेटिव होता है तो बेटा अगर कोई चीज़ बैटरी के साथ लगी हुई है ना ठीक है बैटरी के साथ लगी हुई है तब जो नेगेटिव टर्मिनल से लगी होगी दैट इज़ योर कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगी होगी दैट इज़ योर एनोड राइट ओके okay? और इसकी डिटेल में डिस्कशन कब केथोर्ड पॉजिटिव में आती है वो हम ट्वेल्थ क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे केथोर्ड इज नेगेटिव टर्मिनल ओनली आपके सिलेबस में केथोर्ड नेगेटिव टर्मिनल से इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ओके so, सो केथोर्ड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है राइट अब इन्होंने क्या देखा यहाँ पे दो कंडीशन रखी दो कंडीशन क्या थी पहली कंडीशन वॉज कि यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन क्या है लो प्रेशर वेरी लो, लो प्रेशर और दूसरी कंडीशन क्या है हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये ठीक है लो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज प्रेशर इतना लो कि टेन डेज पर माइनस थ्री इतना लो राइट और यहाँ पे हाई वोल्टेज तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है बहुत ही हाई वोल्टेज ना व्हाट इज़ द रीज़न क्या रीज़न है कि ये दो कंडीशन रखी गई ये कंडीशन के पीछे क्या रीज़न है कि इन्होंने यहाँ पर देखो वैक्यूम पंप लगाया था वैक्यूम पंप का क्या मतलब है यहाँ पे प्रेशर सक करके वो प्रेशर लो कर लेगा ठीक है एयर को सक कर लेगा सो so, यहाँ पे क्या होगा प्रेशर लो करना है प्रेशर लो क्यों करना है क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल्स जा रहे हैं अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पे चल रहे हैं उन पार्टिकल्स को भीड़ भड़कान ना मिले वो पार्टिकल्स ईजिली हम उनकी ईजिली उनका देख पाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या उनके पाथ को हम ईजी रखें राइट उनके पाथ में ज्यादा आ... Uh, कुछ चीज़ें ना आए ठीक है ठीके? कोई एयर uh, के मॉलिक्यूल्स कोई गैसेस कुछ ना आए उसके बीच में इस वजह से हमने यहाँ पे लो प्रेशर रखा हुआ है इसके बीच में भीड़ नहीं होनी चाहिए रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए इनका दूसरी चीज़ है हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज क्यों रखी लो वोल्टेज से क्यों नहीं हो सकता था हाई वोल्टेज इसलिए रखी क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखो जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज होगी उतने ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितना नेगेटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से एक चीज होती है कि नेगेटिव में से क्या निकलेगा कुछ नेगेटिव या नेगेटिव आयंस तो नहीं बोलेंगे यहां पे कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे कैथोड से जिनको हम कैथोड रेज बोलेंगे राइट ताकि वो पार्टिकल ज्यादा क्वांटिटी में निकल सके अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज होगी ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अट्रैक्ट करेगा और तो रस्ते में बिल्कुल भीड़ नहीं है तो ईजिली हम उस नेगेटिव पार्टिकल का फ्लो देख पाएंगे ठीक है उस नेगेटिव पार्टिकल को जज कर पाएंगे कि कोई पार्टिकल निकला भी है या नहीं निकला तो उसके अंदर आने वाली जितनी भी दिक्कतें थी परेशानी थी हमने दूर कर दी है वोल्टेज उसको हाई दे दी है प्रेशर उसको काफी लो दे दिया है, ओके? So now, तीसरी चीज़, जो आपके पार्टिकल्स की रेज निकली थी थी थी? थी. थी, ना, ये क्या थी? Invisible. ये क्या क्या थी? थी. थी तो कैसे कैसे करें अभी इसको? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला गया तो क्या हुआ इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से एक परफोरेटेड एक तो इन्होंने एनोड को पहले यहाँ परफोरेट कर दिया परफोरेट कर दिया का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसके अंदर होल्स कर दिए ताकि ये यह जो यहाँ पे रेज़ निकली हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज़ निकली हैं यहाँ से उसको पाथ मिल जाए यहां पे तो हमने प्रेशर लो करके उनको जगह दे दी उसके बाद यहां पे भी उनको पाथ मिले पाथ किसके लिए मिले ताकि ये पीछे जो इन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है एक चमकती हुई हुई एक स्क्रीन ऐसी लगाई है जिसके ऊपर जब पार्टिकल गिरेगा ना तो एकदम से वहां पर ग्लो आ जाएगा राइट तो जैसे ही यहां से यहां पे हाई वोल्टेज दे दी यहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ गया राइट अभी क्या होगा इसमें से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे निकलेंगे चलो निकल रहे हैं क्योंकि प्रेशर लो है तो इजीली जा पा रहे हैं राइट अभी कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर से निकल जाएंगे क्योंकि बीच में हमने परफोरेट करा हुआ है उसके बीच में होल्स छोड़े हुए हैं तो यहाँ पे जब ये निकलेंगे तो यहाँ पे ये टकराएंगे जहाँ पे वो टकराएंगे वहाँ पे ग्लो आएगा इसको बेसिकली जेड एन एस स्क्रीन टाइप होती है जेड एन एस की स्क्रीन लगा सकते हो राइट तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है वो चमकती है जब उस पर पार्टिकल्स गिरता है ठीक है तो यहाँ पे पार्टिकल गिरेगा तो यहाँ पे ग्लो आएगा उस ग्लो से हमें पता लगेगा कि कोई तो आके चीज़ इस पर आके गिरी है इसका मतलब यहाँ से इनविजिबल जो मुझे दिख नहीं रही थी चीज़ वो अभी मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरोसेंस स्क्रीन राइट तो इसका क्या यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले तो हमने कंडीशन क्या रखी थी लो प्रेशर हाई वोल्टेज देन हमने उस पार्टिकल्स को देखने के लिए उन पार्टिकल्स को उनको थोड़ रेज को देखने के लिए दो चीज़ें लगाई एक तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाई दूसरा उन्होंने हमने यहाँ परफोरेट कर दिया इनोड को ठीक है बीच में उसके होल्स छोड़ दिए ताकि वो पाथ उसका आगे भी जा सके और फ्लोरेंस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पड़े एंड वो ग्लो हमें दिखाई दे राइट सो so, ये सारा ऑपरेटर्स था इस ऑपरेटर से हमें ऐसा पता लगा कि कोई तो पार्टिकल्स इन नेगेटिव कोई पार्टिकल इन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है और वो पार्टिकल सीधा एनोड की तरफ टकरा रहा है मतलब एनोड को एनोड से अट्रैक्ट होता जा रहा है एनोड क्या है पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल निकला होगा दैट मस्ट बी ए नगेटिव पार्टिकल तो कौन सा पार्टिकल होगा वो नेगेटिव पार्टिकल होगा और उसी नेगेटिव पार्टिकल को हमने बाद में इलेक्ट्रॉन बोला तो इसके बारे में क्या कुछ देखा गया इस नेगेटिव पार्टिकल के बारे में क्या कुछ सोचा गया कि इस इसकी नेचर कैसी है कौन सी कौन सी चीज़ों पे ये डिपेंड करती है तो इन्होंने देखा बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ कि जो पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं ना ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते कोई भी गैस यहां पे ले लो इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले लो हाइड्रोजन हीलियम ली कोई भी गैस ले लो क्लोरीन गैस ले लो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव पार्टिकल्स निकले हैं वो सेम ही तरह के निकलते वो डिपेंड ही नहीं करते सो डू नॉट डिपेंड ऑन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ़ गैस नेचर ऑफ गैस पे ये चीज़ डिपेंड ही नहीं करती थी इसका मतलब जितने भी एटम्स हैं हमारे पास उनके बीच में ये नेगेटिव पार्टिकल पाया जाता है और वो नेगेटिव पार्टिकल वेरी नहीं करता कि इस चीज़ में वेरी नहीं करता है वो नेगेटिव पार्टिकल कि मैं अगर हाइड्रोजन का हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा अगर मैं क्लोरीन का हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल हो जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं है क्लोरीन के बीच में भी सेम ही नेगेटिव पार्टिकल है हाइड्रोजन के बीच में भी सेम ही नेगेटिव पार्टिकल है मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं नेचर की बात कर रही हूँ कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है वो सेम ही है ठीक है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता तो बाद में उन्होंने इसी नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोल दिया सो सुनाओ इसके बारे में पढ़ते हैं द केथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम केथोड एंड मूव टूवॉर्ड्स ए नोट तो इन रेज को ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज आई है ना इसको कैथोड क्योंकि केथोड से निकल रही है तो इसको केथोड रेज बोला गया ओके सो दी कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम केथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड फर्स्ट थिंग देन दीज रेज आर नॉट विजिबल क्योंकि ये विजिबल नहीं है इनविजिबल है इस वजह से कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स जैसे फ्लोरसेंट फॉस्फोरसेंट विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम जो ग्लो करते हैं जब उन पर कोई एनर्जी आती है ठीक है बेसिकली इन पार्टिकल्स में क्या होती है एनर्जी होती है जब एनर्जी उनको हिट करती है तो वो ग्लो करते हैं दीज आर फ्लोरोसेंट या फॉसफोरोसेंट पार्टिकल्स ओके फॉस्फोरसेंट स्क्रीन इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस तो अगर आप यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की एबसेंस होगी इसका क्या मतलब है बच्चा कि अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया राइट तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं यहाँ पे डेविएट कर जाएंगे राइट तो ये डेविएट कर जाएंगे तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग्स रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसकी वजह से ये फर्दर नेगेटिव पार्टिकल भी डेविएट कर जाएगा राइट तो वो ज़्यादा थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चला जाएगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होगी तो एक सीधे पाथ में ये ट्रैवल करेंगे राइट right? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इनके पास बट अगर हमने इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ठीक है इसका क्या मतलब है कि चलो सपोज कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है ठीक है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है तो ये इस तरीके से डेविएट हो जाएगा तो ये हम एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवेट हो जाएगा सेम चीज उसने करी यहाँ पे डिवेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहने लगे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल अरे डिपेंड ही नहीं करता कोई भी कोई भी चीज़ हो कोई भी एटम हो उसके बीच में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाएंगे ये हमें यहाँ से पता लग गया ठीक है दैट मीन्स इट इज़ सब अटोमिक पार्टिकल जो हर एक एटम में पाया जाता है और वो सेम होता है वो डिपेंड नहीं करता कौन से तरह का ये एटम है ठीक है तो उनको हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन दैोड रेट्यूब कहते ये डिपेंड नहीं करता ना ही इलेक्ट्रॉन के मटीरियल पर डिपेंड करता है ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ठीक है ओके सो okay? so, जो आप बाद में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी उस इलेक्ट्रॉन का आपको पता है एक पर्टिकुलर मास होता है एक चार्ज होता है क्यों होता है क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता अपनी नेचर ऑफ गैस पे वही चीज इन्होंने यहां से पता करवाई इसके बाद ये ढूंढेंगे कि इसका मास क्या है इसका चार्ज क्या है नाउ so इन्होंने कैसे ढूंढा ये तो चीज़ पता लग गई कि ये डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब इसका कुछ मास और चार्ज होगा जो हम पढ़ते हैं अभी वो कैलकुलेट करेंगे चार्ज टू तो मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इस एक्सपेरिमेंट से देखी गई राइट right? तो ये एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा सा देख लो कि किस तरीके से करा गया था तो यहाँ पे जैसे केथोड है एनोड है सेम उसी अप्रेटर्स में इन्होंने लगाया हुआ था बट इसके बाद इन्होंने क्या किया एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसको दे दी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यहां पे इन्होंने लगा दी एक एक करके इन्होंने चेक करा कि इन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ सीधी चली गई इलेक्ट्रॉन ठीक है जो ये रे, रे यहां पे आई थी हाई वोल्टेज लगाई सेम वही चीज हो रही है यहाँ पे कैथोड जाएगा ठीक है यहाँ से वो निकल जाएगा उसके बाद ये आगे जाएगी कैथोड रेस अभी केथोड रेस आगे जाके क्या करती हैं तो देखो ये करती हैं ये यहाँ पे इन्होंने इंस्टेड ऑफ परफोरेटेड परफ़ोरेटेड होता है बीच बीच में कहीं कहीं होल इन्होंने क्या किया एक सिंगल होल कर दिया ठीक है मतलब ये जो रे यहाँ से निकली ना ये जो रे यहाँ से निकली ये रे दिस के थोड़ रे ठीक है ये कैथोड रे इन्होंने यहाँ पे इतनी ही जगह दे दी कि यहां पे तो ब्लॉक हो जाएगी बाकी इन्होंने इतनी जगह दे दी कि इस होल से ये पास हो जाए तो ये रे आगे चलती गई विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये यहां पे गई तो इन्होंने क्या देखा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ये सीधी चली गई जब यहां पे मतलब ये बी पॉइंट पे स्ट्राइक करी जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो इन्होंने क्या देखा जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लगाई तो ये ए पॉइंट पे जाके डेविएट हो गई जब इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब ये सी पॉइंट पे जाके डेविएट हो गई ठीक है एक बार इधर गई एक बार इधर गई इन सब से इन्होंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी जिससे अलग अलग इक्वेशंस बनाई कैलकुलेशंस करी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए उसके बाद हमारे पास ई बायम रेशो आई ठीक है मास बाय हाँ ई बायम रेशो ओके सो सुनाओ उसके बाद इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सी पे जाकर डिफ्लेक्ट हुआ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आके दिखा ना हमें ग्लो वहाँ कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया दूसरे केस में यहाँ पे गया के तीसरे केस में यहाँ पे गया तीसरे चौथे केस में इन्होंने क्या किया इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई कर दी तो उन्होंने देखा कि उन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में कैंसिल करके अगेन ये सीधी बी पे जाके टकरा गई तो इन सब कैलकुलेशंस के बाद इन्होंने क्या देखा बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद दैट ई बाय मास रेशो ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ई बाई एम रेशियो फाइंड आउट भी कितनी आई है आपके पास वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस्ट पर इलेवन कूलम किलोग्राम पर किलोग्राम ई बाय मास ई एम ई क्यों लिखा है क्योंकि आगे जाके हम मास ऑफ प्रोटोन भी निकालेंगे जिस वजह से यहाँ पे एम ई e लिखा हुआ है ओके ठीक है तो ये हमारे पास रेशियो आ गई नाउ इसके बाद क्या हुआ देखो हमने पे ई बाय एम रेशो निकाल ली है अब हम क्या निकालेंगे मास क्या है और चार्ज क्या है तो चार्ज कैसे निकाला गया चार्ज ऑयल ड्रॉप मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया मिल्कस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे चार्ज आया राइट मिलिकन डिवाइज मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया राइट तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस के बाद इन्होंने यहाँ पे देखा कि चार्ज क्या आता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस्ट पर माइनस नाइनटीन कूलम आता है राइट ये आपका चार्ज आया नाउ आपके पास ई e बायम की रेशो है राइट विच इज वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस्ट पर इलेवन राइट और आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट मीनस आपके पास ई e की वैल्यू भी आ गई तो ये आप यहाँ पे अगर पुट कर देते हो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पर माइनस नाइनटीन राइट हम यहाँ पे माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ई e बाईम रेशो भी फिर माइनस में ही होती मास तो माइनस में ही हो सकता ना तो यहाँ पे हम सीधा इसका मॉड लेके चलेंगे राइट सो so, यहाँ पे बेटा एम ई की वैल्यू क्या आ जाएगी एम ई विल बी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस्ट पर इलेवन विच कम्स आउट टू बी नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस्ट पर माइनस थर्टी वन किलोग्राम ये आपके पास आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक okay? है तो ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का बहुत जरूरी है राइट right? ओके okay, तो आपके पास ये मास आ गया ये चार्ज आ गया तो हमें सारी चीजें इसके बारे में पता लग गई नाउ ही फाउंडेड दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू विद दिस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट टू e/m e रेशियो तो उसके बाद आपके पास 9.1 10 -31 किलोग्राम आ गया आपके पास मास राइट तो ये चीजें हैं अभी हमारे पास चार्ज पता लग चुका है हमें क्या है हमारे पास मास पता लग चुका है ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद करने के लिए राइट ओके बच्चा नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई अभी प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं प्रोटॉन्स का क्या हुआ अभी हमें पता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठीक है तो इसका मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए सेम अमाउंट में सेम उसी तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा गया जैसे यहां पे इन्होंने लगा लो एनोड रख दी ठीक है और यहां पे कैथोड ओके okay? तो इन्होंने कैथोड रख दी अगेन इन्होंने कैथोड को परफोरेट करा हुआ था मतलब बीच में इन्होंने होल्स छोड़े हुए थे ताकि जो भी यहाँ पे रे आएगी वो रे यहां से सीधा निकल जाए ठीक है सो दिस इज परफोरेटेड इसको ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में हमने डाला हुआ था ओके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करा हुआ था नाउ वॉट दे ऑब्जर्व यहां पर इन्होंने क्या देखा कि हमारे पास सेम मैनर में हम इन्होंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी इन्होंने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया यहां पर जो रेज निकलेंगी यहां पर जो पार्टिकल्स निकले यहां पर भी कुछ पार्टिकल्स निकले राइट यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स निकले तो इन्होंने इन पार्टिकल्स के बारे में क्या देखा इन पार्टिकल्स के बारे में इन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं पहली बात तो दे आर विजिबल ठीक है ये इन विजिबल नहीं है ये विजिबल हैं हमारी आंखों को नज़र आ रहे हैं ये दीज आर कलर्ड ठीक है कलर्ड रेज निकल रही हैं यहाँ से तो इन्होंने पहली चीज़ ये ऑब्जर्व करी दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्या देखी कि जैसे हम नेचर ऑफ गैस बदलते हैं तो ये पार्टिकल्स भी बदलते हैं ठीक है दीज पार्टिकल्स डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ गैस तो बच्चा हुआ क्या था देखो बेटा सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है देखो अभी आपको पता है अभी हम न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे हैं एटम के बीच में है इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है प्रोटॉन ठीक है तो जब ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ इस टाइम पे ये एटम था इसके बीच में इलेक्ट्रॉन था इसके बीच में प्रोटॉन था राइट right? तो यहाँ पे बच्चा क्या हुआ था जो आपका इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है वो तो दूसरी साइड पे जाए ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके बैठी हूँ कि भाई तू नहीं जाएगा मैं अभी ये नोट वाला एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तू नहीं कहीं भी जा सकता उसने तो जाना ही है ना वो तो हो यहाँ पे भी सेम ही रहा था यहाँ पे बस हम फोकस किस पे कर रहे थे फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने एनोड साइड पे लगाई हुई थी तो हमें उस चीज़ का पता लग रहा था हमें कैथोड रेस का हमें एनोड के पार्टिकल्स जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे थे इस टाइम पे राइट तो इस टाइम पे क्या हुआ था ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर आ गया ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके इस साइड जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है जिसको हमने कैथोड रेस बोल दिया राइट अभी पीछे क्या रह गया प्रोटोन रह गया इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए ना उसके इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए पीछे एक पॉजिटिव आयन रह गया आयन क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हो तो पीछे उस एटम वो एटम एक आयन में बदल जाता है राइट तो पीछे आपके पास आयन रह गया ठीक है मतलब वो आयन जो है वो पॉजिटिव होता है अभी उस आयन की इन्होंने यहाँ पे स्टडी करी कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रॉन तो बच्चा देखो अगर हम इसको ऐसे देखें कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल है मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूं हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था बट हमें आज पता है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता ठीक है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है राइट तो अभी यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन तो है जो बच्चा इस गैस का वो किस साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन अच्छा इलेक्ट्रॉन तो बेटा इस साइड जाएगा इन नोट साइड पे तो इलेक्ट्रॉन ने मैं इसको ग्रीन से रही करी इलेक्ट्रॉन तो बेटा इधर चले गए ये अपने मस्त मौला इधर जा रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं है इलेक्ट्रॉन निकल गया इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव से ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए क्योंकि पॉजिटिव पे लगी हुई ना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है मैंने यहाँ पे कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं लगाई हुई अभी तो मुझे नहीं पता निकल रहा मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ इस चीज़ पे। अभी मेरा ध्यान किस चीज़ पे है कि क्या कैथोड साइड पे भी कोई पार्टिकल्स निकलते हैं क्या उस साइड पे भी ऐसा होता है क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में न साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव भी होना चाहिए तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो नेगेटिव पार्टिकल तो हमने देख लिया कि वो इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल इसका मतलब कैथोड की साइड अट्रैक्ट होंगे तो क्यों ना हम कैथोड के साइड पर फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दें तो उन्होंने लगा दी अभी वैसे तो ये विजिबल ही थी ठीक है इनविजिबल तो थे नहीं तो ये दिखना भी शुरू हो गया कि यहाँ पे हमारे पास हमारे पास में येलो से रिप्रेजेंट करिए कुछ रेज निकली विच आर पॉजिटिव जो क्या है पॉजिटिव है और वो रेज हमारी डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं तुमने कैसी गैस दी है वो एटम पे डिपेंड करती है ना इसके पीछे रीजन क्या है वो हम पहले ही ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख के ही समझेंगे हालांकि इसके बाद उन्होंने बात वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड लोग थे ठीक है उन्होंने तो बाद में बनाया लेकिन आज जब हमें पता ही है कि ये चीज़ एटम बाद में ऐसा बनेगा तो क्यों ना हम उसी चीज़ से समझे कि ऐसा क्यों हुआ राइट तो एटम में क्या था ये रहा एटम ठीक है तो पहले मैं हाइड्रोजन का एटम लेती हूँ इसमें क्या था एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटोन था ठीक है तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे मॉडल्स आए लेकिन एंड में हमने जो रदर का मॉडल आपने पढ़ा था उसमें हमने देखा था सेंटर में ना सेंटर में यहाँ पे प्रोटॉन है और प्रोटॉन को कोई भी निकाल नहीं सकता कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता प्रोटॉन को राइट बट जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड वो आसपास घूम रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है प्रोटॉन को ऐसे बंद करके छोड़ दिया है कमरे में ठीक तो है, है तो ये न्यूक्लियस है जिसके बीच में प्रोटोन बैठे हैं तो प्रोटोन को कोई बाहर नहीं निकाल सकता इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पे वो तो क्या चले गए एनोड साइड पे अट्रैक्ट होके चले गए पीछे क्या रह गया पीछे वो चीज़ रह गई दैट दैट होल न्यूक्लियस जिसके बीच में प्रोटॉन पड़े हैं वो वहाँ से एक एक करके बाहर नहीं निकल सकते प्रोटॉन तो इस वजह से जब मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो हाँ उसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को हम हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं बट बाकी किसी के न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम बात करते हैं हीलियम अगर हम बात कर रहे हैं हाँ हीलियम एटम की बात कर रहे हैं ठीक है इसमें दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी मैं बात नहीं कर रही हूँ ठीक है दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे दो हैं दोनों के दोनों आज़ाद हैं इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएंगे बाहर आ जाएंगे नोट की तरफ बट आपका जो प्रोटॉन है वो अंदर बंद है अभी ठीक है तो प्रोटॉन कैसे बाहर निकलेगा ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगा कि एक प्रोटॉन दे दिया उसके बाद दूसरा प्रोटॉन दे दिया नहीं तो इन्होंने क्या देखा कि जब हमने यहाँ पे गैस कोई और निकाल दी कोई ऐसा चलो हीलियम गैस यहाँ पे ले आए तो हीलियम गैस के टाइम पे हाइड्रोजन गैस के टाइम पे तो वह एक प्रोटॉन ही बाहर निकला था ठीक है उसका मास तो कम था पर जब इन्होंने हीलियम लेके आए तो वो डबल हो गया उसका मास वो बढ़ गया उसके बाद जैसे जैसे क्लोरीन आएगी तो और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो प्रोटॉन है पहली बात तो इस अपरेटस में इस चीज़ में प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इस प्रो इस अपरेटस में उस चीज़ की एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई थी जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्रोटोन ही है क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन ही होता है इलेक्ट्रॉन जाके पीछे प्रोटोन जो बच जाता है उसे हम एंड में प्रोटोन ही बोलते हैं बट इन केस ऑफ हीलियम हीलियम के अंदर दो प्रोटोन हैं तो इसमें हमने दो प्रोटोन की डिस्कवरी करी ठीक है लिथियम एटम के अंदर हमने थ्री प्रोटोन की डिस्कवरी करी यहाँ पे लिथियम एटम डाल दोगे तो यहाँ पे तीन प्रोटोन जाके वहां पे एक साथ एक बल्क में जाके टकराएंगे राइट right? तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने यहाँ पे देखा वो पॉजिटिव चार्ज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है प्रोटोन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता प्रोटोन का चार्ज और इलेक्ट चार्ज एंड मास इज सेम कांस्टेंट है वो लेकिन वो जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटोन है ना वो डिपेंड करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज़ाद है प्रोटोन उसके बीच में कैद है राइट right? नटशल में अगर मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रोटोन ओनली बट बाकी जो आगे जाते जाते जब एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो प्रोटोन नहीं है ठीक है उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं जैसे हीलियम के अंदर दो प्रोटोन है लिथियम के अंदर तीन प्रोटोन है ठीक है उस तरीके से राइट ओके सुनाओ so, नेक्स्ट आता है बेटा और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेशन uh, इस क्वेश्चन में आई जाती है कि गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी करी थी या रदरफोर्ड ने करी थी राइट right? तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है आपके एन में जो लिखा है आप उसी से जाओ क्योंकि गोलसी ने एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करी थी राइट right? जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्रोटोन है रदर ने प्रॉपर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और उसने बताया था कि यहाँ पे जो चीज़ को आप बोल रहे हो ठीक है दैट इज़ प्रोटोन ओनली उस उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटोन बोलते हैं और वो कैसे कैसे है चीज़ों में उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था राइट right? तो दोनों की वजह से ही हमें आज एटम के बारे में पता है प्रोटॉन्स के बारे में पता है राइट right? तो शेयर तो दोनों को ही जाना चाहिए अनलाइक केथोड रेज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन क्या है अनलाइक केथोर्ड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला गया प्रोटोन नहीं बोला गया ठीक है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का दो चीज़ें हैं बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ठीक है कि मैम यहाँ पे तो बोला गया मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस में बट आप बाद में प्रोटोन का मास एक सेम ही लिख देते हो हर जगह पे मैंने प्रोटोन का मास सेम रखा है मैंने मैंने पॉजिटिवली चार्ज जो बल्क में आता है है उसका मास सेम नहीं रखा ठीक तो मास ऑफ दैट पॉजिटिवली जो उस पर फ्लोरसेंट स्क्रीन पे जाके टकराया दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब दे आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैशेस आयन तो वो क्या थे जो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयन रह जाते हैं उनकी बात कर रहा है ठीक है वो पॉजिटिवली चार्ज गैसीयस आयन इन केस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज क्या बोलते हैं उसको प्रोटोन बोलते हैं राइट right? क्योंकि पीछे एक ही प्रोटोन रह जाता है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम व्हिच दीस ओरिजिनेट तो इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है ई बाय एम रेशियो है अपॉन नेचर ऑफ गैस क्योंकि यहां पर चार्ज भी डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटोन है उस गैस में और मास भी डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटोन है उस गैस में राइट ओके अभी देखो यहाँ पे उसने आप ध्यान आपको भी पता है कि प्रोटोन क्या है तो आप देखो कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज चीज की डिस्कवरी हुई थी प्रोटोन की डिस्कवरी नहीं हुई अभी तक यहाँ पे ओके सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीपल ऑफ इसका क्या मतलब है कैरीअ मल्टीपल इसका मतलब है जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है हीलियम के पास दो प्रोटॉन है लिथियम के पास तीन प्रोटॉन है ये हमें आज की डेट में पता है तो ये क्या है मल्टीपल ये टू का मल्टीपल थ्री का मल्टीपल मतलब एक पॉजिटिव कोई कांस्टेंट चार्ज है जिसको बाद में प्रोटॉन बोला गया उसके मल्टीपल हैं इस गैशियस आयन में जो एक साथ बल्क में उसे जाके टकरा रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है तो एक ही टकरा रहा है इन केस ऑफ हीलियम दो प्रोटॉन बैठे हैं उस न्यूक्लियस के अंदर तो उस गैशियस आयन के पास दो प्रोटोन है दोनों जाके एक साथ टकरा रहे हैं तो मल्टीपल क्या है टू का लिथियम के केस के लिथियम के आइटम में इलेक्ट्रॉन तो तीन बाहर चले गए पीछे तीन प्रोटोन रह गए उस न्यूक्लियस में और तीनों के तीनों एक साथ ऐसे जाके टकरा रहे हैं उस पैकेट में बैठे हैं न्यूक्लियस में एक साथ ऐसे टकरा रहे हैं ठीक है थीके? तो यहां पे क्या है वो सम ऑफ़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ़ फंडामेंटल यूनिट यूनिट ऑफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज की एक फंडामेंटल होगा जिसको हम बाद में क्या बोलेंगे Proton बोलेंगे ओके बिहेवियर ऑफ़ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो Like, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे की तरफ जाएगा ठीक है ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी ओके नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑबटेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटोन तो जिस बात के बारे में आपको बात कर रही हूँ ठीक है कि स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है हाइड्रोजन के बीच में है हाइड्रोजन हैज वन प्रोटोन वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर इसके बीच में माइनस कर दो तो हाइड्रोजन के आयन में हमारे पास रह जाएगा वन प्रोटॉन तो इसी को हम क्या बोल देते हैं प्रोटॉन तो इसका मतलब हाइड्रोजन अगर हम बात करें ना एच पॉजिटिव की एच पॉजिटिव की अगर बात करते हो इसको क्यों प्रोटॉन बोला जाता है इसको क्यों प्रोटॉन बोला जाता है एच पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोला जाता है बिकॉज इसके बीच में एक ही प्रोटोन है और है क्या इसके बीच में अगर हम हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन ही निकाल देंगे पीछे प्रोटॉन ही बच जाएगा ना तो उसके पास एक ही प्रोटॉन है तो सबसे कम प्रोटॉन किसके पास है हाइड्रोजन के पास उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं ओके और ये भी चीजें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन कैसे बढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं फिर न्यूट्रॉन कैसे बढ़ते हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे राइट स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल पॉजिटिव आइन ऑप्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड प्रोटोन उसी को बोला गया प्रोटोन ठीक है नाउ नेक्स्ट इज लेटर वी नीड द फेल्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटम नाउ क्या हुआ उन्होंने क्या देखा अटोमिक मास का समझ में नहीं आ रहा था ठीक है अटोमिक मास की वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी वो कैसे आई ठीक है उसको कैसे कर इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं इसके बीच में कोई न्यूट्रल एटम भी है ठीक है न्यूट्रल एटम नहीं न्यूट्रल पार्टिकल भी है सब अटोमिक पार्टिकल, पार्टिकल में कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्डविक दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बम्बार उन्होंने क्या किया अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम को अल्फ़ा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया वेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटोन तो इनका मास जो है स्लाइटली ग्रेटर था देन दैट ऑफ प्रोटोन ही नेम दीज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन तो उन्होंने क्या बोला ये पार्टिकल्स क्या हैं दीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स ठीक है इसको क्या बोला गया न्यूट्रॉन्स तो नाउ वी नो एंड में वैसे तो मॉडल्स पढ़ेंगे ही राइट right? तो एंड में हम क्या देखेंगे इसके ये अभी फाइनल मॉडल नहीं होगा इसके बाद और भी मॉडल्स आएंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है एटम के बीच में राइट right? तो अभी तक जो आपने नाइन्थ क्लास तक पढ़ा था दैट वाज इसके बीच में बैठे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स राइट और इलेक्ट्रॉन्स आस पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं राइट right? तो हमारे पास अभी तीन सब अटोमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें पता लग चुका है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ठीक है इन तीनों के बारे में हमें पता लग चुका है नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद इस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ठीक है एप्सोल्यूट चार्ज क्या है इसका दैट इज देखो इलेक्ट्रॉन का माइनस वन पॉइंट सिक्स प्रोटोन का उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्लस वन पॉइंट सिक्स क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे को तो चार्ज इनका सेम होना चाहिए रेलेटिव चार्ज मतलब जब आप एक रेलेटिव ठीक है अप्रॉक्सीमेट चार्ज की बात करते हो अगर इसका प्लस है इसका माइनस होना चाहिए तो ये रेलेटिव चार्ज है एब्सोल्यूट चार्जिस का ये है ठीक है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए न्यूट्रॉन का दोनों ही चार्ज ज़ीरो हैं बिकॉज इट इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये बिल्कुल भी इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में राइट नेक्स्ट आता है बेटा, बेटा मास, मास आपने देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मास ऑफ़ प्रोटॉन इज दिस एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम है न्यूट्रॉन का स्लाइटली स्लाइटली मतलब बहुत ही कम स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट है ठीक है तो इसी वजह से ना जब हम बाद में अटोमिक मास पढ़ते हैं बाद में जब आपने अटोमिक मास अगर नाइन्थ का क्लियर है ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी नहीं तो डोंट वरी नाइन्थ का भूल चुके मैं फिर से करवाने ही वाली हूँ तो अटोमिक मास ने देखा था कि वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इतना मास नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दिस टू इसका माइनस थर्टी वन है इसका माइनस ट्वेंटी सेवन है ठीक तो है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास उस न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है उस न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं राइट ओके सो मास क्या है इसका इन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ पॉइंट जीरो ज़ीरो एंड दिस इज़ वन दिस इज़ वन अप्रोक्सीमेट मास क्या है जीरो वन वन मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास जीरो ही कर दिया है right? कि इसका मास ऑलमोस्ट निगलिजिबल के समान माना जाता है राइट ओके सो इसमें जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये एक तो ये ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए ओके ठीक है नाउ एक आधा मॉडल इसमें चेक कर लेते हैं दिस इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो अभी हमें पता तो लग गया अभी थॉम्सन के टाइम पे ना न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था ठीक है तो उनको प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का पता लग गया था अब ये नहीं समझ में आया कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कैसे इसके बीच में अरेंज कर सकें ऐसे ही तो नहीं किसी भी तरीके से आप घर पे अगर सेटिंग करते हो यहाँ पे चलो अपने रूम की सेटिंग करो यहाँ पे टेबल लगाया यहाँ पे यहाँ पे बेड लगा दिया यहाँ पे टीवी लगा दिया यहाँ पे अपना लैपटॉप रख लिया ऐसे अपनी बुक्स रख ली कबर्ड यहाँ पर रख दिया ऐसे करके सेटिंग करते हो ना तो इसकी भी कुछ सेटिंग होनी चाहिए कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए तो इन्होंने क्या बोला थॉमसन जी ने तो बहुत प्यारा सा मॉडल दे दिया था कि इन्होंने बोला ये एक एटम है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ये सारा क्या है एक पॉजिटिव स्फीयर है जैसे कि वाटरमेलन है वाटरमेलन के बीच में जो रेड पार्ट है दैट इज चार्ज ठीक है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज अब आपको पता है आपने के थोड़े एक्सपेरिमेंट पढ़ा है इसमें पता लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो इसलिए मॉडल बाद में फेल हो गया था राइट तो इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव स्पीयर में ऐसे करके पूरे के पूरे पॉजिटिव स्पीयर है लाल रंग का और बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे खीर है ठीक है तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल भी बोल दिया जाता है जैसे हमारे पास खीर है तो खीर के बीच में देसी भाषा की बात करी खीर के बीच में आपने सौगी किशमिश डाली हुई है तो कहते जो खीर है आपकी दैट इज योर पॉजिटिव स्वीर उसमें जो नट्स हैं दैट आर योर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ठीक है तो इन्होंने मॉडल दिया थॉमसन जी ने जो बाद में हो गया हमारा फेम इसके बाद आपके आ, आपके पास आया था रदरफोर्ड मॉडल जो आपने नाइन्थ क्लास में करा था और रदरफोर्ड के बाद हमारे पास आए थे बोहर मॉडल उसके बाद हम जाएंगे क्वांटम मॉडल की तरफ तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीन मॉडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके बीच में से क्वेश्चन आता ही आता है तो आपको क्या करना है नाउ इट्स योर होमवर्क आप नाइन्थ क्लास की बुक को उठाओगे वहां पे आप रदर फॉर मॉडल दैट इज योर होमवर्क वो आपको खुद करना है नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी तब तक तो आपका ये सारा रिवाइज हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन इसके सभी चार्ज आपको पता होने चाहिए राइट right? और दूसरा आपका काम है रदर मॉडल को एक बारी देख के आना है नाइन्थ क्लास में आपने देखा होगा देख के आना है उसमें कुछ में आ रहा है नहीं आ रहा बाकी मैं आपको रदरफोर्ड और बोहर और सारा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करवाने ही वाली ठीक है एक बार खुद से पढ़ के आना तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ाई करने में राइट सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होती है इसलिए बोल बोलिए खुद से एक बारी देख के आना तो ज्यादा क्रोसिटी बढ़ेगी ओके सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल्स पे पूरा अच्छे से डिस्कशन शुरू करेंगे उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जब हम पहुँचेंगे ना क्वांटम नंबर्स की तरफ तब आपको ऐसा लगेगा कि यू आर प्लेइंग सम गेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा करने में राइट right? सो so उसके लिए बट ये सारे बेसिक क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं ओके एंड थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग